फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिल्स किचन। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अमेज़ॉन से एक बारबेक्यू मंगाया था और मैंने आपको कहा था कि नवरात्रे ख़त्म होने के बाद में मैं आपको इसका यूज़ भी दिखा दूंगी और एक रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो मैं आज आपके लिए एक तंदूरी चिकन लेकर आई हूँ। तंदूरी चिकन तो सभी को बहुत ही पसंद होता है, स्पेशली बॉयज़ को बहुत पसंद होता है। जब भी बॉयज़ अकेले होते हैं, बैचलर्स या स्टूडेंट्स जो भी मिलके दोस्तों के साथ में पार्टी करते हैं, तो ये आपके लिए भी है। तो मैं आज ये रेसिपी आपको उसी में बनाना दिखाती हूँ और इसका यूज़ भी हो जाएगा, तो आप लोग भी इसका लुत्फ़ उठाइएगा, मंगा सकते हैं अमेज़ॉन से। और ये रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने डायरी में ज़रूर नोट करिए इसके इंग्रेडिएंट्स और आइए देखते हैं इसके क्या क्या यूज़ होती है और इसको बनाते हैं और फटाफट इसका मज़ा लेते हैं। तो ये है हमारा चिकन। तो सबसे पहले हमें अपने चिकन में कट लगाना है। तो ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं वो सारी अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो जाएं, इसके अंदर तक चले जाएं, ताकि जब हमारे मुंह में बाइट्स जब हम लेते हैं तो अच्छी तरह से खूब टेस्ट आता है। तो हमें मैंने यहाँ पे पहले से भी कट लगा के रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से कट लगाना है। ये देखिए, हमें इस तरह से कट लगाना है इसमें। तो हमारे ये सारे कट लग चुके हैं। फिर अब हम डालेंगे यहाँ पे मसाले। तो सबसे पहले हमारे ये लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। ये है गरम मसाला पाउडर, तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है। ये है हल्दी, तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी यूज़ की है। ये है नमक, मैंने यहाँ पे रॉक सॉल्ट यूज़ किया है। ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये है दही। ये है मस्टर्ड ऑयल 1 से 2 चम्मच। आप चाहे तो यहाँ पे बटर या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नींबू है, तो मैं यहाँ पे 1 नींबू यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसका रस हमें पूरा निचोड़ लेना है हमने। फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले चिकन में जहाँ हमने कट लगाया है अच्छी तरह से वो पूरा मिक्स हो जाए, उसके अंदर तक तब चला जाए। और इसको मिक्स करके हमें फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए हमें इसे रखना है ढक के। तो मैं अब सारे मसालों को हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथ से मिक्स करने पे ये अच्छी तरह से पूरे मसाले मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं एक एक पीस में सारे मसाले, दही से लेके जितने मसाले मैं सब मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे हम ढक के रख देंगे फ्रीज़र में। तो अब ये है चटनी के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो इसके साथ में ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये पुदीना पत्ती, धनिया पत्ती, लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्च और अदरक। ये है नमक और ये है हमारा दही। तो इसकी हम चटनी बनाएंगे जो इसके साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो सबसे पहले हमें इसे पीसना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पुदीना की पत्ती डाल रही हूँ, उसके बाद ये हमारी धनिया पत्ती है, ये हमारी अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्च और नमक हम इसमें डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, चटनी मैंने पीस ली है यहाँ पे। तो अब इसमें मैं ये कर्ड यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है अभी, तो मैं इसे पहले फेंट लूँगी। मैं यहाँ पे अब 1 से 2 चम्मच मैंने और यूज़ किया है। तो ये हमारी चटनी रेडी है। ये इसके साथ में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही इजी है। तो हमारी चटनी रेडी है। तो अब ये हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है, 1 से 2 घंटा इसको हो चुका है। तो अब ये रोस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसको एक बार अगेन मिक्स करूँगी। और ये है हमारे स्टिक्स जिसमें हमें इसे लगा के रोस्ट करना है। तो पहले मैं इसको फिर से एक बार मिक्स करना है मसाले। और अब हम इसे स्टिक में इसे ऐसे लगाना है, और जो हमने बारबेक्यू अमेज़ॉन से मंगाया है उसमें हम इसे रोस्ट करेंगे। तो बारबेक्यू में मैंने कोयले लगा के रख दिए हैं ताकि वो अच्छी तरह से मतलब पूरे उसमें आग पकड़ ले। तो अभी हमारा हो चुका है, ऐसे में सारे मैंने पीसेस रख दिए हैं यहाँ पे इस तरह से, देखिए।
और ये नीचे मैंने कोयले लगाए हैं, तो आप ये बारबेक्यू भी देख सकते हैं। इसका स्टैंड वगैरह काफ़ी अच्छा है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ बनाने में। और आप बाहर या टेरेस पे या अपनी बालकनी में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ में इसका अच्छे तरह से पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा जो मैंने मंगाया है, तो आप भी इसको मंगाइएगा और एंजॉय करिएगा दो फ्रेंड्स के साथ में। तो देखिए, मैंने इसको पलट पलट के इसे हमें कुक करना है, रोस्ट करना है। और हमें इसको रोस्ट करते समय इसके ऊपर बटर या घी की हमें इसमें एक लेयर लगानी है, ताकि हमारे पीसेस जो है वो काफ़ी जूसी बने और इससे सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो ये देखिए, मैंने बटर लिया है और इस तरह से एक एक पीसेस में हमें ये बटर लगाना है। इससे हमारे पीसेस काफ़ी जूसी बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं काफ़ी, और खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बटर से, और ये अच्छी तरह से रोस्ट भी हो जाते हैं। तो हमें इसे रोस्ट करना और बीच बीच में चेक करना है कि हमारे पीसेस गले हैं या नहीं। तो देखिए कितने अच्छी तरह से ये रोस्ट हो रहा है। तो देखिए हमारे ये पीसेस बिल्कुल रेडी लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए, इनका कलर देखिए, और ये रेडी है बन के। तो हमारे ये, मैंने इसको प्याज और नींबू और मिर्च के साथ में यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है चटनी के साथ में। तो मैं आपको इसके पीसेस दिखाती हूँ, ये देखिए कितना जूसी लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बटर लगाने से इस तरह से जूसी हमारे पीसेस बनते हैं। और मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना ईजिली ये टूट रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना जूसी ये अंदर से कितना ईजिली टूट गया है। तो मुझे तो ये बारबेक्यू बहुत ही अच्छा लगा, और ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।